हेलो स्टूडेंट्स नाउ आई विल एक्सप्लेन द साइंस ऑफ क्लास सेवन लेसन फाइव पेज नंबर फोर्टी सिक्स का हम लोग पढ़ रहे थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स वी नो दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड हमें ये पता है कि एसिड जो होते हैं ये लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू और बेसिस से लिटमस पेपर का कलर ब्लू रंग का नीले रंग का हो जाता है वाट हैपन्स वन एन एसिड इज मिक्सड विद अ बेस लेकिन जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तब क्या होता है सी तो कल हमने एक्टिविटी फाइव को एक्सप्लेन कर दिया था और आज स्टूडेंट्स हम लोग एक्टिविटी फाइव के नीचे देखेंगे एसिड एंड बेसिक सोलसन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर जब हम एसिडिक सोलसन और बेसिक सोलसन आपस में मिलाते हैं या नेचर में ये कहीं भी मिलते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं वेन मिक्सड विथ ईच अदर जब ये आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं द एजडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड और इनके मिलने से एसडिक एसिड acid का एसडिक नेचर और बेस का बेसिक नेचर समाप्त हो जाता है फैन बोथ आर मिक्सड इन सुटेबल अमाउंट्स जब हम एसिड और बेस को उचित मात्रा में मिलाते हैं तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं द रिजल्टिंग सोलशन इज ना इधर एजडिक नॉर बेसिक और जो सोलसन हमें मिलता है न तो यह एच डी की होता है और न ही तो यह बेसिक ही होता है दोनों ही नेचर समाप्त हो जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टच द टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व जब आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देख रहे हो किसी टेस्ट ट्यूब में एसिड और बेस मिला करके तो जैसे ही हम इंडिकेटर डाल के ऐसा करते हैं जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारा सोलसन ना एच डी हो ना बेसिक हो जैसे हमारा सोलसन न्यूट्रल होता है ना तो यह एसिड रह जाता है ना तो बेस रह जाता है उसमें हम टेस्ट ट्यूब को ज़रा हाथ से टच करके देखें ये कैसा हमें महसूस होता है द टेस्ट ट्यूब बिकम वॉर्म्स टेस्ट ट्यूब हमें थोड़ी थोड़ी गर्म लगेगी इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस्ड हमेशा हीट निकलती है और इवाल्व्ड रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ़ द रिएक्शन मिक्सर और जब यह हीट निकलेगी तो जो हमारा रिएक्शन मिक्सर होता है यह गर्म हो जाता है ए न्यू सब्सटैंस नोन एज साल्ट इज फॉर्म्ड तो इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमारा मिक्सचर तो गर्म हो ही जाता है एक नई चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं साल्ट साल्ट में भी एच बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर ये जो साल्ट होते हैं ये एच हो सकते हैं बेसिक हो सकते हैं न्यूट्रल हो सकते हैं स्टूडेंट्स जैसे अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस वीक बेस से रिएक्ट करता है तो जो साल्ट बनता है वह एस्टिक होता है ऐसे ही जब स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड के साथ न्यूट्रलाइजेशन होता है तब हमारा बेसिक साल्ट बनता है और जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक एसिड वीक बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं रिएक्ट करते हैं तब हमारा न्यूट्रल साल्ट बनता है तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्टूडेंट्स दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज अब इस तरीके से हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन जब किसी एसिड और बेस में रिएक्शन होता है और दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्राइजेशन रिएक्शन कहते हैं साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूसड इन दिस प्रोसेस और न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में हमारा साल्ट और वाटर नमक और पानी बनता है विद द इवोलसन ऑफ हीट और साथ साथ में हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है फॉर एग्ज़ाम्पल लुक द फॉलोइंग रिएक्शन हम नीचे के रिएक्शन को देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका फार्मूला है एस प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला है एन तो एस हमारा एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एन हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है जब इनका रिएक्शन होता है तो सोडियम क्लोराइड एन और वाटर बनता है एन ए सी और सोडियम क्लोराइड हम लोग नमक के रूप में अपने खाने में यही डालते हैं वाट विल हैपन वेन डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू लाइम वाटर क्या होगा अगर हम डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में हम थोड़ा सा चूने का पानी डालें तो चूने का पानी बेस है और सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कोल्ड क्या रिएक्शन मिक्सचर जो होता है या गर्मी रहेगा या ठंडा रहेगा तो स्टूडेंट्स रिएक्शन मिक्सचर गर्म हो जाएगा और सोडियम क्लोराइड सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड और लाइम वाटर के मिलने से साल्ट बनेगा वाटर बनेगा और इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होगी तो स्टूडेंट्स इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है जब एसिड और बेस कहीं भी एक दूसरे से मिलते हैं चाहे नेचर में चाहे हम लोग उन्हें लैब में तो तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं नष्ट कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का हमारे लिए बहुत यूज़ होता है इस प्रोसेस का क्योंकि हमारे नेचर में या हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें एसडिक होती हैं बहुत सी चीज़ें बेसिक होती हैं और ये एक दूसरे के संपर्क में आती हैं एक दूसरे के प्रभाव को ये नष्ट कर देते हैं एसिड बेस के प्रभाव को नष्ट कर देता है और बेस एसिड के प्रभाव को नष्ट कर देता है और इस तरीके से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा न्यूट्रल हो जाता है स्टूडेंट्स अगली हेडिंग है हमारा न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ हमारे दैनिक जीवन में न्यूट्रलाइजेशन कहाँ कहाँ होता है और कैसे ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ये हेडिंग हम लोग कल पढ़ेंगे थैंक यू